चेयरमैन नैब की जेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में शरीफ खानदान के खिलाफ करप्शन केसेस का जायजा, जबकि आटा और चीनी स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ्त पर बातचीत की गई। जावेद इकबाल ने कहा, नैब ने मंजिल का तायुन किया, मकसद मुल्क को करप्शन फ्री बनाना है। नैब की जेरे सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि शरीफ खानदान, अहद शीमा, फवाद हसन फवाद, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ करप्शन केस का जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक पंजाब की 56 कंपनियों में करप्शन और मुलजिमान से रकम की वापसी का भी जायजा लिया गया, जबकि अलीम खान समेत दीगर के खिलाफ ऑफशोर कंपनियों के करप्शन केसेस का भी जायजा लिया। अमीर मकाम कैप्टन रिटायर्ड सफदर अकरम खान दुरानी के करप्शन केसेस की पेशरफ्त रिपोर्ट पर गौर किया गया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा, नैब ने मंजिल का तायुन किया, मकसद मुल्क को करप्शन फ्री बनाना है। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है।